राज्यपाल सीवी आनंद बोस बागडोरा से दिनहाटा के लिए हुए रवाना, सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिनहाटा में हुई मारपीट की घटना की सच्चाई जानने के लिए दिनहाटा जा रहे हैं। कुचबिहार के दिनहाटा जाने के लिए वह कोलकाता से हवाई मार्ग से बागडोरा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से होते हुए दिनहाटा के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल ने बागडोरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Your comments, sir. I have come for a reality check on ground zero, where these incidents are reported to have taken place. I will have my own first-hand information about it, interact with the people around, and then comment on that. Sir, is it said, sir, you said the election will be blood-free, but the B1, as you said, the incident which was happened today, is it shows that the election will be peaceful? That is what is a matter of concern. Let me go to the field, make my own assessment, then I'll react. Sir, you have asked a report. Is it arrived? You have asked a report for Kuchbihar incident. Is it arrived? What transpires between the governor and the government during election is confidential. Will be told at the appropriate time. Sir, what? सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहां आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्फीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचने गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। Damn,